स्वागत है YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड का एक टॉपिक कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जिसका नाम है यूनिट डिजिट वैल्यू एंड पावर साइकिल। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक किस में आता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज में हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। किसको? नंबर सिस्टम, यहाँ पर लिख दूँ नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव होगा इस वीडियो से सीखना यूनिट डिजिट वैल्यू के बारे में एंड पावर साइकिल के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम्स, उसके बाद किस तरह से हम कम्पिटेटिव एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह से हम टफ प्रॉब्लम भी सीखेंगे। सबसे पहले हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज यूनिट डिजिट वैल्यू। दी राइट मोस्ट डिजिट, ध्यान सुनना, दी राइट मोस्ट डिजिट उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट वैल्यू। जैसे यहां पर मैंने लिखा 349, ओके। इसमें दी राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है? ये वाली, इसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट वैल्यू। ये जो मैंने आपको सिस्टम दिया हुआ है नंबर का, इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है? 9। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 205। दी राइट मोस्ट डिजिट ऑफ दी गिवन सिस्टम उसे हम बोलेंगे यूनिट डिजिट वैल्यू। यहां पर यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है? 5। ये तो था बेसिक यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होती है। एक और एग्जांपल ले देते हैं, 15। इसमें राइट मोस्ट डिजिट कौन है? 5। यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी? दी राइट मोस्ट डिजिट क्या है? 5। यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ये तो था बेसिक व्हाट इज यूनिट डिजिट वैल्यू, होती क्या है। उसके बाद इसमें हमारे पास प्रॉब्लम कैसी आएगी, पहले मैं आपको ऐसे बताता हूं इसमें हमारे पास प्रॉब्लम किस टाइप की आती है। सबसे पहले मान लीजिए उन्होंने हमें दे दिया 2 रेज टू पावर, यहां पर सीधे तरीके से लिखते हैं 2 रेज टू पावर 12। वो इसकी बोलेंगे यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड करो। आपने कहना है सिंपल बात है, इसे मैं पुट करूंगा कैलकुलेटर में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4096। यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 6 आंसर आ गया हमारा। इसी तरह से उन्होंने हमें बोल दिया कि आप फाइंड करो यूनिट डिजिट वैल्यू 3 रेज टू पावर 9 की, तो आप क्या करोगे? कैलकुलेटर उठाओगे, 3 रेज टू 9 पुट करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 19683। यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये तो रही कि हम कैलकुलेटर के साथ यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मगर कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, सम एग्जाम में हमारे पास जो होता है कैलकुलेटर हमें नहीं यूज करना होता, उस समय हम कैसे सॉल्व करेंगे? और सम टाइम वो हमें बोल देंगे 2 रेज टू पावर 20105020, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड करो, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। जहां पर टू, यहां पर बोलेंगे 5 रेज टू पावर 20105301032, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड करो। आप कैसे करोगे? इसके लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जो सिंपल सी वैल्यू है, इसको तो आप देखकर बता दोगे कि यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है, मगर इन वैल्यू के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना पड़ेगा यूनिट डिजिट वैल्यू को फाइंड करने के लिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अभी हम इस वीडियो में करेंगे क्या, जो सिंपल सी वैल्यू होती है उनमें तो हम देख कर बता देते हैं यूनिट डिजिट वैल्यू, मगर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में, एग्जाम में और टफ वैल्यू की हम यूनिट डिजिट वैल्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। टिपिकल प्रॉब्लम भी इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये तो यूनिट डिजिट वैल्यू के रिलेटेड हमने बेसिक बात कर ली।
आई होप कि आपका बेसिक अभी तक क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कर पूछ सकते हैं बाद में। पावर साइकिल, पावर साइकिल क्या होता है? वो पावर, ध्यान से सुनना, वो पावर किसी भी नंबर की, वो पावर, मान लेते हैं एक नंबर हमारे पास ए है, किसी भी नंबर की वो पावर, किसी भी नंबर की वो पावर जिस पावर तक यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, उस पावर को हम बोलते हैं पावर साइकिल। फिर से मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अभी एग्जांपल भी दूंगा। किसी नंबर की वो पावर जिस पावर तक यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, उसे हम बोलते हैं पावर साइकिल, उसे हम बोलते हैं पावर साइकिल। एग्जाम्पल ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए यहां पर इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टू टू की एग्जाम्पल लेते हैं, 2 raised to power 1, क्या है इसका आंसर? 2। यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है इसकी? 2। मैंने आपको सिखाया है यूनिट डिजिट वैल्यू 2 है। यहां पर हम करेंगे 2 raised to power 2, कितना आएगा आंसर? 4। क्या यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हुई? नहीं, जहां तो 2 था जहां पर 4 है, यानी कि अभी हम कंटिन्यूज करेंगे। 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 हमारे पास होता है 8। यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हुई इस नंबर की 2 की? नहीं, है ना। अभी हम फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। 2 raised to power 4, कितना आया है हमारे पास? 16। यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 6। क्या हमारे जो मेन नंबर है 2, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हुई? नहीं हुई। अभी फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 raised to power 5, कितना आ गया आंसर? 32। 32 की यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई? 2। यानी कि यहां पर ध्यान से देखना, जब हमने 2 raised to power 5 किया तो यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई? 2। किसके इक्वल आ गई? जो हमारी मेन वैल्यू थी, जो हमने 2 raised to power 1 फाइंड किया था ना, 2 की यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई थी? 2 raised to power 1 की 2। यानी कि यहां पर देखें, यूनिट डिजिट वैल्यू यहां पर रिपीट हो चुकी है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, इस नंबर को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो कि यूनिट डिजिट वैल्यू यहां पर रिपीट हो चुकी है, इस नंबर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। आप देखो ना, पहले हमने 2 raised to power 1 किया, 2 raised to power 4 किया, यहां पर 4 आया, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 4 आई, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 8 आई, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आई। कहीं भी देखो यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हुई? नहीं हुई ना। मगर जब हमने 2 raised to power 5 कर दिया तो यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट होगी, तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। यानी कि पावर साइकिल की क्या स्टेटमेंट है? वो पावर, अभी आपको समझाया जाएगा, वो पावर, ये वाली पावर, वो पावर जिस पावर तक, फिर से सुनो, वो पावर जिस पावर तक यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, उस पावर को हम बोलते हैं पावर साइकिल। यानी कि 2 का पावर साइकिल कितना आ चुका है हमारे पास? 4। यानी कि जब हम 2 raised to power 4 करते हैं, इस पावर तक यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, मगर जब हम 2 raised to power 5 करते हैं, यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए इसका पावर साइकिल आ गया 4। और 2 का जो है यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई है? जिस पावर तक रिपीट नहीं हो रही, उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू अपने देख लेनी है, वो आ जाएगा हमारे पास 6। यानी कि 2 का ना हमारे पास आ चुकी है, जो 2 है उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है, और यूनिट डिजिट वैल्यू 6 आ चुकी है, और पावर साइकिल हमारे पास 4 आ चुका है। ये था पावर साइकिल का कंसेप्ट। अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। ये तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ क्या होता है सिस्टम। अभी हम 3 की एग्जांपल लेते हैं, किसकी? 3 की। थोड़ा तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं, 3 की एग्जांपल लेते हैं। अभी आप भी ट्राई करना, 3 raised to power 1 3, यूनिट डिजिट वैल्यू 3, 3 raised to power 2 9, यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट हुई? नहीं। चलो चलते रहना है तभी तक। 3 raised to power 3 27, यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी है? 7, रिपीट नहीं हुई। चले चलते जाओ, 3 raised to power 4, 3 raised to power 4,
फोर। थ्री रेज टू पावर जब आप फोर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 81। यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई? वन। रिपीट हुई? नहीं हुई। फिर से हम आगे बढ़ेंगे। थ्री रेज टू पावर जब हम फाइव करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 243। यूनिट वैल्यू आ गई 3, यानी कि रिपीट हो चुकी है यूनिट डिजिट वैल्यू। यहां पर देखें, यूनिट डिजिट वैल्यू जहां पर देखें रिपीट हो चुकी है, यानी कि जहां तक जाना ही नहीं है। पावर साइकिल की डेफिनेशन ही क्या है? जिस पावर तक यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, जिस पावर तक यूनिट डिजिट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, उस पावर को हम बोलेंगे पावर साइकिल। उस पावर साइकिल की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी होगी यूनिट डिजिट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर। यानी कि थ्री क्या हमारे पास पावर साइकिल आ चुका है 4, और यूनिट डिजिट वैल्यू आ चुकी है 1। आई होप कि अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो आप उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पावर साइकिल फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा टास्क देना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं सभी की यूनिट डिजिट वैल्यू पावर साइकिल फाइंड करता यहाँ पर फाइंड करने लगूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वो तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप देखना, टू जो टू है इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू सॉरी पावर साइकिल, और एट का भी फाइंड करना पावर साइकिल। मैं आपको यहाँ पर आंसर ही बता देता हूँ, आपने फाइंड कर कर देख लेना है और कमेंट कर कर बता देना है कि मैच कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आंसर मैच बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आपको वैल्यू नोट डाउन करा देता हूँ थोड़े से नंबर की, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर कर देख लेना। यहाँ पर मैं टेबल ही बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास है सीरियल नंबर, पावर साइकिल पी सी, यूनिट डिजिट वैल्यू यू डी वी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। टू और थ्री का तो हमने पावर साइकिल फाइंड किया है कि फोर आ रहा था, और बाकी सभी का अपने सॉल्व कर कर देखना है। टू वन, सिक्स का भी हमारे पास आता है वन, सेवन का हमारे पास आता है फोर, एट का आता है फोर, नाइन का हमारे पास टू आता है पावर साइकिल। पावर साइकिल आपको पता चल गया ना क्या? उसके बाद यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास आती है इसकी सिक्स, टू की, थ्री की हमारे पास यूनिट डिजिट वैल्यू आती है वन, सॉल्व की है अभी हमने। उसके बाद फोर की हमारे पास आती है सिक्स, उसके बाद फाइव की होती है हमारे पास फाइव यूनिट डिजिट वैल्यू, सिक्स की हमारे पास होती है यूनिट डिजिट वैल्यू सिक्स, सेवन की हमारे पास होती है वन, एट की वैल्यू होती है हमारे पास सिक्स, उसके बाद नाइन की होती है हमारे पास वन। ओके, टू और थ्री का मैंने आपको सोल्व कराया है, आपने देख भी लिया है पावर साइकिल और यूनिट डिजिट वैल्यू इतनी आई है। बाकी सभी को आप सोल्व करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम मेन बात आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर देखा बेसिक बता दिया है, अभी मैं आपको यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कराऊंगा। मेरी अप्रोच पता क्या रहेगी, मैं आपको प्रॉब्लम की कैटेगरी बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें फोर टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। कितने टाइप की? फोर टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं टाइप वन प्रॉब्लम। ऐसा करने से ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस टाइप की प्रॉब्लम को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। टाइप वन प्रॉब्लम सोल्व क्या करना है? सिंपली हमने यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड करना सीखना है। क्या करना सीखना है? यूनिट डिजिट वैल्यू, क्योंकि सिंपल नंबर है ना, जो सिंपल नंबर टू रेज टू पावर फोर 16 आ रहा है, यूनिट वैल्यू आप मन में ही कैलकुलेट कर कर बता दोगे 6 आ रही है। मगर जब हम कॉम्प्लिकेटेड नंबर के बारे में बात करेंगे उस समय आपके लिए टफ रहेगा। अभी मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आपके पास टाइप वन प्रॉब्लम है, याद रखना, अगर हमारे पास ध्यान से अभी सुनना, अगर हमारे पास नंबर आ जाए टू थ्री, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं इस तरह से आप याद रखना, सेवन एट, इसका पावर साइकिल मैंने आपको टू और थ्री का तो कैलकुलेट करके बताया है,
एट और सेवन का भी जब अगर आप पावर साइकिल कैलकुलेट करेंगे, आप कर कर देखना, मैंने आपको टेबल भी दिया है, उस समय हमारे पास जो पावर साइकिल आएगा वो आएगा एट, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप याद रखना, रख लो, नहीं रखना ना रखो। उसके बाद यहाँ से प्रॉब्लम की कैटेगरी, अभी मैं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट कराता हूँ। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम देखते हैं, 2 raised to power 99, इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड कर कर बताएं। अगर आपको बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे? आपने लास्ट 2 डिजिट कंसिडर करनी है। आपने पहली, मैं प्रॉब्लम थोड़ी स्लो कराऊंगा आपको पता चल जाए, आपने लास्ट 2 डिजिट कंसिडर करनी है, उसे 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। कितना आएगा यहाँ से आंसर हमारे पास? मैं बहुत ही स्लो सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। ओके, इसे सोल्व करने के बाद यहाँ पर देखना हमारे पास आंसर आ रहा है, इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, आपको कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर बचा है इस पर फोकस करना है। कितना बचा है? 3। आपने लिखना है सिंपली 2 raised to power 3। कितना आंसर आ गया? 8। आपका आंसर आ चुका है, यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ चुकी है? 8। सिंपल सी बात है, कितनी यूनिट डिजिट वैल्यू आ चुकी है? 8। अगर आपको वो ऐसा नंबर दे दे, जितना मर्जी बड़ा नंबर दे दे, 2 raised to power 20108015, आपने किसी भी वैल्यू पर फोकस करना ही नहीं है, लास्ट 2 डिजिट। ये है इसका कूल हैक, इन 4 डिजिट का कूल हैक है ये। 15 है गया ना हमारे पास, ये तो आप वैसे ही बता दोगे। कितना बचा रिमाइंडर? 3। सिंपली आप क्या करोगे? 2 raised to power 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 8, यूनिट डिजिट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। खत्म। एक और प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। अगर आपको बोल दिया जाए 2 raised to power 197, इसकी आप यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड करो, आपने क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट लेनी है, उसे 4 के साथ डिवाइड कर देना है। 4 के साथ डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर कितना बचता है? 1, यानी कि हम लिखेंगे 2 raised to power 1, तो हमारे पास यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। खत्म। आसान थी प्रॉब्लम, आसान थी ना प्रॉब्लम? इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइप 1 प्रॉब्लम है, याद रखना, अगर आपके पास 2 3 7 8 कोई भी डिजिट आती है, तो आपने ये फंडा चूज करना है। मान लीजिए आपको एक बड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, आपने आपको उन्होंने बोल दिया, एक मैं पहले इन प्रॉब्लम को कवर ही कर दूं, 8 raised to power उन्होंने बोल दिया 20 2042। आपने क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट उठानी है, 4 के 4 के साथ डिवाइड कर देना है। 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, जब आप 4 के साथ, सीधे सीधे यहाँ पर पता चल रहा है, 4 के साथ जब आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। सीधे सीधे पता चल रहा है, आपने लिखना है 8, इसे आपने ऐसे लिखना है 8। रिमाइंडर कितना बचता है? 4 के साथ जब आप डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है 2, यहाँ पर आता है 64। यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यूनिट डिजिट वैल्यू इज इक्वल टू 4। सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इसी तरह से ये तो बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ मैं, अभी अभी तो आपको समझ आ चुका होगा। 3 raised to power अगर आपको बोल दिया जाए 20 2041, तो आपने सिंपली करना है लास्ट 2 डिजिट को 4 के साथ डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर बचता है 1, 3 raised to power 1, यूनिट डिजिट वैल्यू 3 आ चुकी है। इसी तरह से सिंपली 7 raised to power अगर आपको बोल दिया जाए 1111, लास्ट 2 डिजिट उठानी है, 4 के साथ डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना बचता है? 3। रिमाइंडर कितना बचता है? 3। इससे जब आप सोल्व करोगे, 7 का जब आप क्यूब फाइंड करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 343, और यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आ चुकी है? खत्म। 3।
ये सिंपल टाइप वन प्रॉब्लम थी, देखा कितनी सिंपल है। इसी तरह से टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर सिंपल प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इनमें सिंपली आपने करना है, एक एक बड़ी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं। बड़ी सी क्या, 2 raise to power उन्होंने बोल दिया है, 2042 + 3 raise to power 32 + 8 raise to power उन्होंने बोल दिया है, हमारे पास 20 और 7 raise to power बोल दिया है उन्होंने, 4023। इसकी यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड करो। पहले आप इसकी फाइंड करें, यहाँ पर आप जब आप फाइंड करेंगे 2 रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अभी फास्ट सॉल्व करते हैं, 3 3 है ना, लास्ट 2 डिजिट उठाएं और रिमाइंडर यहाँ पर देखें कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ पर। यहाँ पर ये टाइप 2 प्रॉब्लम बन चुकी है। मैं यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम चेंज करूंगा, यहाँ पर आएगा 31, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 raise to power 3, 3 बचेगा ना रिमाइंडर, तो हमारे पास ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 8 raise to power 1। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3 और 7 raise to power 3। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, अभी अभी हमने सोल्व किया था, 7 raise to power 3 की वैल्यू आ रही थी, 343। यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 3। इन सभी को ऐड कर दें, 8 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11। 11 9 कितना हो जाएगा, 20 24, यानी कि 24 यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। यानी कि इस जो ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर था यूनिट डिजिट वैल्यू इज इक्वल टू दी 4। यूनिट डिजिट वैल्यू इज इक्वल टू दी 4। इस तरह से आप टाइप 1 प्रॉब्लम जिसमें आपको 2837 दिया हुआ है,